प्रार्थना यह है कि अपने घर में जो मंदिर है उस मंदिर की पूजा स्वयं करें। मंदिर की पूजा हम किसी और से ना करवाएं। घर के काम औरों से करवा लो, पर भगवान की सेवा हमको खुद ही करनी चाहिए, खुद करनी चाहिए। पर लोग थोड़े ज्यादा पैसे वाले हो जाते हैं ना, तो वो सब जगह नौकर रख लेते हैं। खाने का नौकर, झाड़ू का नौकर, पोखर का नौकर, ऑफिस में नौकर, सब जगह चाहिए काम वाला। मैं नहीं कहता, पर सुनिए, बच्चे का भोजन, पति का भोजन और ठाकुर जी का भोजन स्वयं घर की मालकिन को ही बनाना। पति, औलाद और ठाकुर जी, अगर नौकर से बनवाना है तो कम से कम ये देख लो कि वो भजन ध्यान हवन यज्ञ करता है कि नहीं करता है। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, बिना यज्ञ के, बिना भजन के, बिना ध्यान के, बिना स्नान के, बिना दान के, जो भोजन खाता है या बनाता है वो चांडाल है, और चांडाल के हाथ का भोजन चांडाल ही बनाएगा, वो किसी को इंसान बना सकता नहीं है। और सुबह सुबह जितने बच्चे टिफिन बनते ना स्कूल के बच्चों के, वो चांडाल ही भोजन है, क्योंकि मम्मी नहाने की फुर्सत नहीं है, रात के गाउन में ही, कपड़ा में ही बना के पका के भर देती है, और फिर पांच बार जाके नींद लेती है, पहले दो घंटे बाद में सोचती है। मम्मियां समझ गई, गुरुजी आप सही कहते हैं, आपको सब पता है, हम तो गाउन में ही खाना पकाती हैं सुबह, बासे मुंह, रात के गंदे कपड़े, उन्हीं में बच्चे की, जिस खाने से सरस्वती प्रसन्न होगी वही खाना है। अब बताओ, अब ये स्कूल कॉलेज में जाके लुच्चागिरी करेगा कि सरस्वती को बुलाएगा? है? खाना ही चांडाल वाला है, बिना नहाए, बिना भजन, बिना पूजा, बिना ध्यान, बिना सेवा, रात में जैसे सोए वैसे उठे, और इतनो सो आटो और एक आलू रात को ही उबाल के घुसेड़ दियो फ्रिज में, सवेरे निकाले दो रोटी डाली से को छोंक लगाओ, ले बेटा खा ले, और जाके बेटा गधा घोड़ा जो बनना है बन ले। माता बहनों, में तुमसे ये कथा इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि कल से जरा तुम नहा दो के बताओ बच्चे के लिए खाना, लक्ष्मी बन के खाना पकाओगी तो बेटा भी तुम्हारा कुछ कम नहीं बनेगा, लवकुश बनेगा, लवकुश, सीता का लवकुश।